अगर आपके वीडियो पर व्यूज नहीं आते हैं तो आपने भी ये गलती कर रखा होगा। लेकिन सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि व्यूज आते कैसे हैं। तो यार इसे ऐसा समझो, जैसे किसी वीडियो पे 100K व्यूज है, मतलब 100,000 लोगों ने उस वीडियो पे क्लिक किया, मतलब उसका CTR काफी हाई है। जब लोग वीडियो को क्लिक करके देखते हैं उससे आपका CTR बढ़ता है। वीडियो वायरल होने के लिए आपको दो चीज पे खास ध्यान देना पड़ेगा, पहला है CTR और दूसरा है ऑडियंस रिटेंशन। लेकिन इसमें अब बारी आती है CTR और ऑडियंस रिटेंशन कैसे बढ़ाएं। तो इनको बढ़ाने के लिए सबसे पहले आपको इम्प्रेशन बढ़ाना पड़ेगा। जब आप इम्प्रेशन बढ़ाओगे जबी आपको CTR और ऑडियंस रिटेंशन मिलेगा, क्योंकि वीडियो पर व्यूज लाने में मेन रोल जो होता है वो इम्प्रेशन का ही होता है। सबसे पहले आपको इम्प्रेशन बढ़ाना पड़ेगा। अब ये इम्प्रेशन होता क्या है, तो अब आप इसे ऐसे समझो, जब आपका वीडियो ऑडियंस के पास जाता है और वो आपकी वीडियो को नहीं देखता है और उसको स्लाइड करके ऊपर कर देता है, तो वो आपको एक इम्प्रेशन काउंट किया जाएगा, वो एक इम्प्रेशन हो गया आपका। अब आपको इम्प्रेशन बढ़ाने के लिए वो एक ट्रिक का यूज करना पड़ेगा। जब भी आप वीडियो अपलोड करते हो तो वीडियो अपलोड करने से पहले आप अपने फ़ोन में 5-6 जीमेल आईडी बना लेना, और जितने भी फ़ोन आपके घर में होगा उन सब में आपको 5-6 जीमेल आईडी क्रिएट कर लेना है। और जब आप वीडियो अपलोड करते हो, अपलोड करने के बाद जितने भी आपने जीमेल बना रखा होगा उन सारे जीमेल से आपको वीडियो को पूरा वॉच कर लेना है। इससे क्या होगा, YouTube को लगेगा कि इस वीडियो में जरूर कोई खास बात है, जो जितने भी लोग इसको देख रहे हैं वो पूरा फुल वॉच कर रहे हैं। इससे क्या होगा, आपकी वीडियो को बूस्ट मिलेगा, वो वीडियो रैंक में आएगी, और YouTube जो है आपकी वीडियो का इम्प्रेशन बहुत सारे लोगों के पास भेजेगा। तो यहाँ पे दो कंडीशन अप्लाई होता है, पहला CTR और दूसरा जो है ऑडियंस रिटेंशन। अगर आपकी वीडियो में CTR और ऑडियंस रिटेंशन ज़्यादा है तो आपकी वीडियो को ग्रो होने से कोई नहीं रोक सकता, आपका वीडियो 100% वायरल होगा, और वायरल होगा तो आपके वीडियो पर व्यूज भी बढ़ेंगे। अब बात करते हैं CTR कैसे काम करता है। तो आप इसे ऐसे समझो, जैसे कि आप YouTube पे सर्च करते हो व्यूज कैसे बढ़ाएं, आपको बहुत सारे वीडियोस आपके स्क्रीन पे दिख जाएंगे। तो आप हो सकता है कि जो पहले नंबर पे हो आप उसको क्लिक करके देखो, या दूसरे नंबर पे जो वीडियो है आप उसको क्लिक करके देखो। तो जब आप उस वीडियो पे क्लिक करते हो वो आपका CTR में काउंट होता है। जैसे YouTube ने 100 लोगों को इम्प्रेशन भेजा, 100 लोगों में से 5 लोगों ने आपकी वीडियो पे क्लिक किया, तो वो होता है आपका 5% CTR। अब आपको CTR बढ़ाने के लिए ज़्यादा ज़रूरी होता है थंबनेल प्लस टाइटल, इसके बारे में थोड़ी देर में बात करते हैं। अब समझते हैं ऑडियंस रिटेंशन क्या होता है, ये कैसे काम करता है। इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर कंटेंट। अगर आपको पता है कि ऑडियंस को अपने वीडियो पे कैसे रोके तो यार यू आर ग्रेट। और अगर आपको नहीं पता तो अपने वीडियो में आपको कुछ इंटरेस्टिंग करना पड़ेगा। तो जो चीज़ आप अपनी वीडियो में बताते हो वही चीज़ आपको थंबनेल में लिखना है। तो यार इसरार ये चीज़ तो हम अपने थंबनेल में लिखते ही हैं जो हमने वीडियो में बताया है। तो यार ये चीज़ मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपकी वीडियो अच्छी नहीं है, एज अ ऑडियंस आपकी वीडियो में उनको इंटरेस्ट नहीं है, मतलब आपकी वीडियो के शुरू में कुछ आपको ऐसा करना होगा जो ऑडियंस आपकी वीडियो को देखने के लिए मजबूर हो जाए। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ऐसा क्या करोगे जो लोग आपकी वीडियो को पूरा देखें। अगर आप ऐसा करते हो तो आपकी वीडियो को फुल ऑडियंस रिटेंशन मिलेगा और आपकी वीडियो ग्रो भी होगी। अब बात करते हैं CTR बढ़ाने के लिए टाइटल प्लस थंबनेल क्यों ज़रूरी है। आपको एक अच्छा सा अट्रैक्टिव थंबनेल बनाना है। आपका थंबनेल जैसा भी हो आपको उसको सिंपल रखना है, आपको ज़्यादा कुछ उस पर लिखना नहीं है, आपको एक या दो लाइन में उसको लिख देना है जो भी आपने अपने वीडियो में बताया है। आपको अपने थंबनेल में एक सस्पेंस क्रिएट करना है ताकि लोग आपकी वीडियो पर क्लिक करने पर मजबूर हो जाए। अगर एग्जाम्पल के थ्रू समझाओ तो मनोज दे की कोई भी वीडियो आप देख सकते हो, आप उसमें ज़्यादा कुछ उसमें आपको मिलेगा नहीं थंबनेल में, बिल्कुल सिंपल थंबनेल होता है और उसमें ज़्यादा कुछ लिखा नहीं होता, एक सिंपल सा टाइटल उसमें लिखा होता है। और एक और यूट्यूबर की बात करूं तो एल्गरो, आपने नाम सुना होगा, आप जाकर के देख सकते हो उनका थंबनेल तो बिल्कुल ही सिंपल है और उन वीडियो पे लाखों व्यूज आते हैं। तो आप भी कुछ ऐसा ट्राई करो जिसपे आपको CTR ज़्यादा मिले, लोग उस वीडियो पे क्लिक करें, और जब क्लिक करेंगे तो आपका CTR हाई होगा ही। लेकिन टाइटल थंबनेल जरूरी तो है ही, आपको एक चीज़ और ज़रूरी है, वो है टैग्स। अगर आपकी वीडियो को सर्च में लाना है तो आपको टैग्स लगाने पड़ेंगे, वो भी वायरल टैग्स, ताकि आपकी वीडियो जो है वो रैंक करे। अगर आपकी वीडियो रैंक नहीं करेगी तो इम्प्रेशन और CTR का कोई मतलब नहीं। अगर आप जानना चाहते हो कि वायरल टैग्स कैसे लगाए और कहाँ मिलेगा तो लेफ्ट वाले वीडियो पे क्लिक करके जान लो, इसमें मैंने फुल डिटेल बताया है। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।